बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। अल हुसैनी दवाखाना में हकीम साजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं औरतों के मर्ज लिकोरिया का एक ऐसा नहायत ही कामयाब नुस्खा लेकर आया हूँ जिसके इस्तेमाल से पुराना लिकोरिया और बिगड़े से बिगड़ा हुआ लिकोरिया भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जो किसी भी दवाई से फ़ायदा हासिल ना हो, आप ये मेरा आज बताया हुआ नुस्खा एक बार इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखेंगे। नाजरीन, लिकोरिया की वजह से शर्मगाह में वर्म हो जाता है और बाज़ दफ़ा ज़ख्म भी हो जाते हैं, और छोटी बच्चियां जो होती हैं वो अपने बड़ों से ये बात बताने को भी हिचकिचाती हैं और अपना मर्द किसी तबीब या हकीम को या किसी बड़े को बताते हुए भी शर्म महसूस करती हैं। नाजरीन, इस मर्ज की वजह यह है कि नाकस गज़ा का इस्तेमाल, फास्ट फूड्स का इस्तेमाल और कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल इस मर्ज का सबसे बड़ा सबब है। नाजरीन, जिस औरत को लिकोरिया हो जाता है उसके चेहरे की रौनक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं और बाज़ दफ़ा चेहरे पर दाने बन जाते हैं जिसमें पीप सी पड़ जाती है, यानी कि पीप नुमा दाने बन जाते हैं। नाजरीन, जिस औरत को लिकोरिया का मसला बन जाता है, लिकोरिया का मर्ज लग जाता है, उसके सर में अक्सर दर्द रहती है, जिस्म जो है वो दर्द करता रहता है और अक्सर उस औरत की कमर में दर्द रहती है और उसका जिस्म इतना कमज़ोर हो जाता है वो कोई भी काम करते हुए थकावट महसूस करेगी और अपने जिस्म में दर्द महसूस करेगी और हम सर हमेशा जो है वो भारी रहेगा और कोई भी काम काज करने को उसका दिल नहीं करेगा। नाजरीन, लिकोरिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है, जिस औरत को लिकोरिया का मर्ज लग जाता है और ये मर्ज पुराना हो जाता है, अक्सर ऐसी खवातीन जो हैं वो औलाद पैदा करने से भी महरूम रहती है, यानी कि उन औरतों को हमल भी नहीं ठहरता। नाजरीन, आज मैं उन खवातीन के लिए, उन बहनों के लिए एक ऐसा कामयाब नुस्खा लेकर आया हूँ इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला पुराने से पुराना लिकोरिया जो है वो चंद दिनों में ठीक हो जाएगा और किसी दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नाजरीन, चंद अज्जा है नुस्खा, आप नोट फरमा लें। आपने क्या करना है, मोचरस लेनी है 50 ग्राम, गुल नीलोफर लेने हैं 50 ग्राम, लोध पठानी आपने लेनी है 50 ग्राम और गूंद कतीरा आपने 50 ग्राम लेना है। इन तमाम अद्वियात को आपने ब्रेक पीस कर पाउडर तैयार कर लेना है। पाउडर तैयार करने के बाद आपने तकरीबन 3 से 4 माशा सुबह और शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते के इस्तेमाल से ये पुराने से पुराने मर्ज को भी चंद दिनों में ठीक कर देगा अल्लाह ताला के हुक्म से, और इसके इस्तेमाल से जो है वो चेहरे पर रौनक भी बहाल होगी और औरत को लिकोरिया की वजह से जो कमज़ोरी हो चुकी है वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। नाजरीन, इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। नाजरीन, जो लोग दवाई बनाने में दिक्कत महसूस करते हैं या जिन लोगों के पास टाइम नहीं है और वक़्त की किल्लत की वजह से वो दवाई खुद घर में तैयार नहीं कर सकते, वो मेरे दवा खाने से कोई भी दवाई या कोई भी तैयारशुदा कोर्स घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। कोई भी कोर्स मंगवाने के लिए या कोई भी दवाई मंगवाने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लें, 03216405606। शुक्रिया।